अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़, आज की वीडियो में जो है हम लोग स्पेसिफिकली कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमारी दो वीडियोस जो हुई हैं, उसके अंदर सबसे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने SEO के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आप लोगों को एक SEO एक्सपर्ट बनने के लिए जो है वो किन किन चीज़ों को लर्न करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप आता था वो था कीवर्ड रिसर्च। तो आज की वीडियो में जो है हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे और हम ये देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर क्या कौन से प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से जो है हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च को स्टार्ट करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस की। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं जो कि हम कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस के अंदर जो है वो फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि जो कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा वाइड प्रोसेस है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो वो प्रैक्टिकल करूँगा वो बिल्कुल बेसिक होगा और उसके बाद जब हम आगे अमेजोन के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे या एडसेंस ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसके अंदर स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन हमारी जो बेसिक्स हैं वो सेम रहेंगी। आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ सिर्फ बेसिक्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ ताकि जो है आप लोग जो है वो उसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकें और जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे उसके बाद जो है वो आपके लिए एडवांस चीज़ें जो है वो समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि हमने जो है वो अपना टॉपिक जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करना होता है कि हमने किस टॉपिक के ऊपर जो है वो लिखना है। अब वो आप सोच सकते हैं, ख़ुद से अपने आप को एनालाइज़ करेंगे, ख़ुद आप जो है वो अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है वो टॉपिक्स को जो है वो फाइनलाइज़ करेंगे। लेट्स से कि आज की एग्जांपल के लिए हम लोग जो है वो लेके चलते हैं टॉपिक्स में कि लेट्स से कि हम यहाँ पे केक्स की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक आता है कि हम डोनट्स। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं पेस्ट्रीज, ठीक है। अब लेट्स से कि आप जो है वो फूड के अंदर इंटरेस्टेड हो और आप फूड ब्लॉग बनाना चाहते हो और रिलेटेड टू केक्स, डोनट्स और पेस्ट्रीज, लेट्स से कि आपको इन तीन में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम इनको लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो टॉपिक्स हो गए। अभी हमने सोच लिया कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो इन टॉपिक्स के अंदर है और हमने इसके ऊपर लिखना है। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके सीड कीवर्ड जो हैं वो फाइंड करने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है सीड कीवर्ड्स। अब इसमें सीड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर हम केक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीड कीवर्ड्स। अब यहाँ पे अगर हम केक की बात करते हैं तो केक से रिलेटेड जो है वो केक्स रेसिपीज और डोनट्स रेसिपीज और पेस्ट्रीज रेसिपीज, ठीक है। अब लेट्स से कि हम रेसिपीज़ के ऊपर जो है वो अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारे सीड कीवर्ड्स हो गए। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला स्टेप है वो है क्रिएट अ कीवर्ड डाटाबेस। अब हमने कीवर्ड्स को जो है वो अपने जो सीड कीवर्ड्स हैं उनकी बेस के ऊपर अपने कीवर्ड्स की डाटाबेस बनानी है, उनको एक्सपेंड करना है। अब उसके लिए जो है वो तीन मैथड यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो है हमारा गूगल का ऑटो कम्प्लीट है। इसका मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। लेट्स से कि आप जो है वो गूगल पे आओगे और उसके बाद जो है आपने अपना सीड कीवर्ड उठाना है। आप ये केक्स भी उठा सकते हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेट्स से कि हम जो है वो केक्स रेसिपीज यहाँ से उठाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इस केक रेसिपीज़ को टाइप करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर आपने टाइप किया है तो इसने जो है वो ऑटो कम्प्लीट में जो है वो कुछ आपको सजेशंस दे दिए हैं, केक रेसिपीज़ इन उर्दू, केक रेसिपीज़ विदाउट ओवन, केक रेसिपीज़ फॉर क्रिसमस, केक रेसिपीज़ फॉर डायबेटिक्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो हैं वो कीवर्ड एक्सपेंडिंग के अंदर जो है वो यूज़ होंगे। अब आपने क्या करना है, इनको वन बाय वन कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक और मेथड भी होता है कि लेट्स से कि आपने अपना सीड कीवर्ड लिखा, उसके बाद आप शिफ्ट दबा के 8 प्रेस करेंगे, यानी कि आपने स्टेरिक जो है वो लगाना है। अब ये बेसिकली क्या करेगा कि ये जो कीवर्ड का एंड है उसके आगे जितनी भी वेरिएशन बनती हैं वो आपको शो कर देगा। लेट्स से कि यहाँ पर देखें, हमने जब इसको स्टेरिक लगाया तो इसने लिखा केक रेसिपीज़ ईजी, केक रेसिपीज़ फॉर डायबेटिक्स, केक रेसिपीज़ फ्रॉम स्क्रैच, केक रेसिपीज़ फॉर डॉग्स, और इसने मुख्तलिफ जो है वो क्रिसमस, बेरी, चॉकलेट, वनीला, ये सारी चीज़ें हमें दे दी हैं। लेट्स से कि अब हम इस स्टेरिक को जो है वो शुरू में अगर लगाते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस केक रेसिपी का जो कीवर्ड है इससे पहले जो वेरिएशन बनती हैं ये हमें दे देगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त कीवर्ड मिल गया है, कप केक रेसिपीज़, ठीक है। अब हमने केक रेसिपीज़ जो है वो सर्च किया था लेकिन हमें एक और कीवर्ड मिल गया, कप केक रेसिपीज़, बर्थडे केक रेसिपीज़, वेगन केक रेसिपीज़, क्रैप केक रेसिपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अब बेसिकली आप
क्या करोगे कि आप जो है वो इनको यहाँ पे जो है वो अपनी जो आपकी शीट है एक्सेल शीट उसके अंदर जो है वो आप अब इसको ऐड करना शुरू करोगे। लेट्स से कि हम यहाँ पे केक रेसिपीज लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम फ्रेरिक डालेंगे केक रेसिपीज फॉर बिगिनर्स, अभी आपकी जो है वो कीवर्ड एक्सपेंडिंग एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद केक रेसिपीज फ्रॉम स्क्रैच और केक रेसिपीज इन उर्दू इन हिंदी, केक रेसिपीज विदाउट एग्स, ठीक है, हम इसको ले सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसके स्टार्ट में जाते हैं और स्टार्ट में स्टेरिक लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको मिल गया इजी केक रेसिपीज। अब ये भी जो है बंट केक रेसिपीज, वेगन केक रेसिपीज, ठीक है। अब ये देखें, ये आपकी कीवर्ड की जो फाइल है वो एक्सपेंड हो रही है। अब यहाँ पे जो है हम डोनट सर्च करते हैं, क्योंकि डोनट का भी हम लोग जो है वो हमारे टॉपिक में था। अब यहाँ पे हमने डोनट रेसिपीज जब लिखा है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनट रेसिपीज माई कैफे नो यीस्ट, ठीक है। अब ये आपके सारे जो है वो कीवर्ड ऐसा ऐसा जो है वो एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और विदाउट यीस्ट, विदाउट एग्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है मेथड हम लोग यूज करते हैं इनिशियली अपनी कीवर्ड की एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास है यूज यूट्यूब सजेशन, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, यूट्यूब में आएंगे और यूट्यूब में आने के बाद हम अपना सेम कीवर्ड जो है वो यूज करेंगे केक रेसिपीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इसने भी जो है ना आपको मुख्तलिफ कीवर्ड दे दी हैं, केक रेसिपी विदाउट ओवन, केक रेसिपीज चॉकलेट इन ओवन, इन सब को जो है वो आप अपने पास जो है वो एक्सेल शीट के अंदर जो है वो स्टोर करते रहेंगे। अब यहाँ पे भी जो है वो आप स्टेरिक वाला काम कर सकते हैं, जैसे आपने स्टेरिक डाला तो ये जो है वो आपको कीवर्ड के एंड के बाद की जो है वो वेरिएशन वो आपको शो करेगा, और अगर आप स्टार्ट में डालेंगे तो इसी तरह जो है वो आपका स्टार्ट कर देखेगा। अब देखें यहाँ पे मैंने जब इसके स्टार्ट में अपना स्टेरिक डाला है तो चॉकलेट केक रेसिपीज आ गया, बनाना केक रेसिपीज आ गया, वनीला, प्लम, स्पॉन्ज, बिस्किट, ब्लैक फॉरेस्ट, सिंपल केक, फ्रूट केक, जो है वो रावा केक। अब ये देखें सारी कितने ज़्यादा आपको जो है यहाँ से आइडियाज़ मिल गए हैं, ठीक है। यही सारे आइडियाज़ जो हैं वो अब आपने अपने कीवर्ड की एक्सपेंशन लिस्ट में डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये जब जितने ज़्यादा हमारे पास कीवर्ड्स होंगे उसके बाद जो है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें से जो हमारे बेस्ट कीवर्ड होंगे उसको हम जो है उसमें फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है हमारे पास, तीसरा जो हमारे पास है वो है यूज़ रिलेटेड गूगल रिलेटेड टू आइडियाज़। अब ये बेसिकली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें लेट्स से कि हम यहाँ पे डोनट रेसिपीज जो है वो एंटर करते हैं, हम इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको सर्च करेंगे, जब आप इस पेज के एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो रिलेटेड सर्चेज हैं, फ्राइड डोनट रेसिपीज, फ्लफी डोनट रेसिपीज, डोनट रेसिपीज विदाउट यीस्ट, ईजी यीस्ट डोनट रेसिपीज। अब देखें यहाँ पे आपको कितने ज़्यादा जो है वो आइडियाज़ मिल गए हैं। अब यहाँ पे आपको हाउ टू के भी मिल गए हैं, हाउ टू मेक डोनट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ये सारी जो है वो रेसिपीज़ के जो है ना आपको कीवर्ड्स यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, और साथ साथ जो है आप इन्हीं कीवर्ड्स को जो है वो अपनी फाइल के अंदर जो है वो ऐड करते रहोगे। लेट्स से कि अब जो है वो आपके पास तकरीबन 20 कीवर्ड्स जो है वो केक से रिलेटेड आ गए हैं, 20 जो है वो आपको डोनट से रिलेटेड आ गए हैं, पेस्ट्रीज जो है उससे भी रिलेटेड आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अब बेसिकली ये आपकी हेल्प कहाँ करेंगे, मैं यहाँ पे ये सपोज करके चल रहा हूँ कि अभी आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपने सिर्फ अभी टॉपिक निकाला है और उसके ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। इवन कि अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तब भी आप जो है वो इसके थ्रू जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, एक तो आपको जो है वो आइडियाज़ देंगे, दूसरा आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, और तीसरा जो है हम इसके बाद जितने ज़्यादा आपके पास कीवर्ड आइडियाज़ होंगे उसके बाद आपकी जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे उससे मज़ीद जो है वो कीवर्ड आइडियाज़ निकालेंगे, तो वो जो है वो आपके लिए एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल किस्म की जो है वो आपके पास शीट बन जाएगी। मैं उसकी आपको आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आप जो है वो केक रेसिपीज़ विदाउट एग्स जो है वो आपने एक चूज़ किया कि आपने इसके ऊपर मज़ीद सर्च करनी है। आप यहाँ पर जब लिखोगे केक रेसिपीज़ विदाउट एग्स, ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास मुख्तलिफ आ गए हैं कीवर्ड्स, केक रेसिपीज़ विदाउट एग्स एंड विदाउट एग्स एंड बटर, ठीक है, एग्स और मिल्क। अब इसके आगे अगर आप स्टेरिक लगाते हो तो ये देखो इसने फिर आपको जो है वो कीवर्ड दे दिए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इस कीवर्ड के पास भी केस से पहले जो है वो स्टेरिक लगाओगे
तो फिर आपको जो है ये मजीद वेरिएशंस दे देगा कीवर्ड्स की। तो आपके पास इतना ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि जो है वो आपके पास बहुत से आइडियाज़ जो होंगे उस टाइम पे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आता है क्वालिफाई योर कीवर्ड्स। ठीक है, अब क्वालिफाई जो है हम लोग करते हैं टूल्स के थ्रू। अब यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस दिए हुए, हम करते हैं कॉम्पिटिशन के थ्रू के कंपटीशन की बेस के ऊपर के किस कीवर्ड के ऊपर जो है वो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, अगर तो कीवर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है और उसके ऊपर जो है हम उसको सर्च कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंपेटिटिव कीवर्ड है, तो हम उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि एज ए न्यू साइट जब हम न्यू वेबसाइट शुरू करते हैं तो हमारी इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती, तो हमारे लिए ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिनके ऊपर जो है वो कंपटीशन ज़्यादा हो, तो हम स्ट्रेट अवे उधर ही उन कीवर्ड्स को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, दूसरा है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। अब हम जो है वो वॉल्यूम का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेट्स से कि अगर आप एडसेंस बेस्ड एडसेंस रेवेन्यू आपका मॉडल है, अगर उस बेस पे आप जो है वो अपना कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर रहे हो या उस बेस पे अपना ब्लॉग जो बना रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपके पास वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियस बात है उसमें जो है वो आपकी अर्निंग कम होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम इन दो बेसिस के ऊपर अपने कीवर्ड्स को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है वो हमें टूल्स की ज़रूरत होती है, तो अभी जो है मैंने आपके साथ टूल्स डिस्कस नहीं किए, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर जो है वो हम टूल्स स्टार्ट करेंगे कि हमने टूल्स के थ्रू जो है वो कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और उसके अंदर जो है वो फ्री टूल्स भी हैं और पे टूल्स भी हैं। मैं आपको जो है वो दोनों से जो है वो रिसर्च करके दिखाऊंगा, तो ताकि जो है आप में से वो लोग जो अभी बिल्कुल बिगिनर स्टेज के ऊपर हैं और पे टूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो लोग जो हैं वो फ्री टूल्स के थ्रू जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो प्रायोरिटाइज का होता है। उसके बाद फिर हम जब अब कीवर्ड्स की लिस्ट फाइनल हो जाती है, जब हम उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, उनकी कंपटीशन भी चेक कर लेते हैं और उनका वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने किन कीवर्ड्स को जो है वो फर्स्ट टारगेट करना है। लेट्स से कि आपके पास जो है वो 50 कीवर्ड की एक लिस्ट आ गई है, उनको आपने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद उसमें हम ये चेक करेंगे कि इनमें से सबसे कम कंपटीशन किसके ऊपर है, हम उसको जो है वो उस हिसाब से जो है उसको प्रायोरिटाइज कर लेंगे और उसके बाद जो है हम उनके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर जो है एट द एंड जो है वो हमें बेस्ट कीवर्ड जो है हमारा जो है वो मिल जाएगा जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च का जो है वो प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग जो है वो कीवर्ड टूल्स का यूज़ करना शुरू करेंगे, और सबसे पहले जो मैं आपके साथ फ्री टूल्स शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो इजीली, और उसके बाद जो है हम लोग पेड टूल्स यूज़ करेंगे जैसे एचरफ हो गया, लॉन्ग टेल प्रो हो गया, और जितने भी हमारे पास पेड टूल्स हैं जो पॉसिबल हुआ मेरे लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप जो है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप जो है अगर दूसरा मेथड हमारा ये है कि आप जो है वो मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, उधर हर वीकेंड के ऊपर जो है मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ, और उधर जो है वो आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।